नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया भर में भारत की मेहमान नवाजी का कोई तोड़ नहीं है और इसको लेकर पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है, क्योंकि मेहमान को हम इतना प्यार देते हैं कि हमारी आवभगत से वो अभिभूत हो जाता है। इसकी अनेकों मिसाल हैं और अनेकों दिग्गज इस बात को मानते हैं और उन्होंने लिखा भी है। भारतीयों का मेहमान नवाजी एक गहना है जो किसी भी भारतीय से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि हर भारतीय इसे अपने खून में लेकर पैदा होता है। भारत की हवाओं में ऐसा जादू है कि मेहमान यहाँ पर आते ही मदहोशी के आलम में चला जाता है। अभी बहुत कुछ है जो भारतीयों की मेहमान नवाजी की शान में कहा जा सकता है, लेकिन अगर तारीफ ही करते रहे तो आपको खबर कैसे बताएंगे। जी हाँ, दक्षिण एशिया के दो बाहुबली मिलने वाले हैं। एक है मोदी तो दूसरे हैं शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग बीजिंग से चलकर दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं और इनके स्वागत के लिए तमिलनाडु का महाबलीपुरम सज चुका है और इसके साथ ही साथ सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो जो खबर आ रही है, अगर उस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि महाबलीपुरम को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया और महाबलीपुरम की सुरक्षा ऐसी कर दी गई है कि कोई अगर विघ्न डालने की सोचेगा भी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। महाबलीपुरम को सुरक्षा की दृष्टि से 7 लेयर की सुरक्षा घेरे में रखा गया है और करीब करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यही नहीं, शी जिनपिंग की सुरक्षा के चलते चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 500 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों और विभिन्न विभागों के 34 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है। वहीं शाम 5 बजे पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मामल्लपुरम महाबलीपुरम में अनौपचारिक मुलाकात होगी। यहां पर एक बात बता दें कि चीन के राष्ट्रपति 11 से 12 अक्टूबर को भारत दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय की माने तो प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक के लिए 11-12 अक्टूबर को भारत में चेन्नई का दौरा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पहली अनौपचारिक शिखर बैठक चीन के वुहान में 27-28 अप्रैल 2018 को हुई थी। चेन्नई में होने वाली अनौपचारिक शिखर बैठक दोनों नेताओं को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और भारत चीन क्लोजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप को और मजबूत करने के संबंध में विचार साझा करने का मंच प्रदान करेगी। इसी के साथ ही साथ अभी हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक के बाद पाकिस्तान का दिमाग ठीक नहीं है और इतने लात जूते खाने के बाद भी इमरान खान कश्मीर की रट लगाए हुए हैं, इसीलिए शी जिनपिंग का महाबलीपुरम में आना पाकिस्तान को भी एक सख्त जवाब होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत चीन अपने रिश्ते को किस ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और पाकिस्तान और इमरान इस दोस्ती को देखकर कितना अपने दांत को किटकिटाता है। तो ये तो कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा।